वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस, ये वीडियो रहने वाली है एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए। उनके एग्जाम में अब सिर्फ 30 डेज बचे हैं। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सिर्फ 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज की क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो हम अपना एग्जाम क्या करें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे लास्ट 30 डेज की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। गाइस, एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। 5 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 20 अक्टूबर तक आपका एग्जाम चलेगा। इन शॉर्ट बात की जाए तो सिर्फ 30 डेज हैं आप लोगों के पास पूरे अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करने के लिए। लास्ट 30 डेज हैं। इसी 30 डेज के अंदर अब आपको क्या करनी है, अपनी पूरी प्रिपरेशन एक तरीके से एक साल जो आपने पूरी मेहनत की है उसको कंपाइल करना है बहुत अच्छे तरीके से। क्यों मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि वाई लास्ट दीज 30 डेज आर सो इम्पोर्टेंट, ये 30 डेज इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, समझिए गाइस। आपने एक साल पूरे मेहनत करी है, अब आप कुछ भी ऐसे नहीं पढ़ सकते इस 30 दिन के अंदर। आपको इस 30 दिन के अंदर अपनी पूरे एक साल की मेहनत को इकट्ठा करना है, कंपाइल करना है, एक जगह सारी मेहनत को इकट्ठा करना है, अपनी बूस्ट देना है अपनी प्रिपरेशन को, बिल्कुल एक अलग लेवल का क्या करना है इन 30 डेज के अंदर, वो हम आगे की वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बात करेंगे। क्यों हम इन 30 डेज को इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन 30 डेज के अंदर आपकी एनर्जी कुछ अलग ही लेवल की होगी, अलग ही टेंजेंट पे होगी। बिकॉज ये 30 डेज आपके एग्जाम के बिल्कुल पहले के हैं। जब एग्जाम आने वाला होता है तो एक अलग एनर्जी होती है स्टूडेंट्स के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं। इसीलिए ये 30 डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 30 डेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल का बूस्ट देने के लिए। गाइस, ये हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि भाई क्या पेपर पैटर्न है हमारा, कितने मिनट मिलेंगे। क्यों हम देख रहे हैं कि क्या पेपर पैटर्न है, कि कितने क्वेश्चंस कितने सब्जेक्ट्स से आएंगे, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हैं और उसी की प्रिपरेशन बार 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 करने लगते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं करना है, कोई भी देखिए, आप सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। आप देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जीके के अंदर भी ये सेम 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स के अंदर भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और रीजनिंग के अंदर भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम मिलेगा यहाँ पे आपको 90 मिनट, टाइम बिल्कुल सफिशियंट है गाइस। सबको अच्छे तरीके से यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अब इन 30 डेज के अंदर पढ़ना है, बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर लेना है क्योंकि इस बार एग्जाम क्लियर करके रहना है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथ्स की हमारी क्या इन 30 डेज के अंदर स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। सबसे पहले देखिए आप लोग क्या करेंगे, अब आपको रिवाइज करना स्टार्ट करना है सारे टॉपिक्स को। कैसे रिवाइज करेंगे, ऐसे नहीं बुक खोल के बैठ गए रिवाइज करने बिल्कुल शुरू से, नहीं। अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू रिवाइज करना है। कैसे, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, कि एक टॉपिक उठाया जैसे टाइम एंड वर्क उठाया आपने, और उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो अच्छे अच्छे बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस टिपिकल हैं या फिर जो क्वेश्चन के बार बार पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अब आपको रिवाइज यहाँ पे करने हैं। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको क्या करना है, क्लियर करना है। ऐसे ही नहीं कि वीक टॉपिक्स हैं पूरे पूरे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वीक टॉपिक्स को भी एक अलग तरीके से क्लियर करना है। कैसे करना है, उनको भी प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू ही आपको क्लियर करना है। 2019 और 2020 इनके जितने भी एसएससी ने पेपर्स कराए हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू आपको क्या करना है, अपने वीक टॉपिक्स को क्लियर करना है। सपोज जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आपका वीक टॉपिक है, क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेंगे। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर ही प्रॉब्लम रहती है, सारे क्वेश्चंस के अंदर नहीं प्रॉब्लम रहती है अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है। उसी तरीके के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं थ्रू प्रैक्टिस। अब क्या है ये पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है, फॉर्मूले ऐसे नहीं एक पेपर पे लिखे हुए हैं बस फटाफट पढ़ लिए और हो गए रिवाइज, नहीं। फॉर्मूले कैसे करने हैं, जैसे मेंजुरेशन है, अब मेंजुरेशन के अंदर आप देख लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, सिलेंडर के आपने सारे फॉर्मूले लर्न कर लिए, आपने उनको लर्न किया, अब क्या करेंगे, हाथ के हाथ वहां से प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस उठाइए सिलेंडर से रिलेटेड और उनको सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, फॉर्मूले रिवाइज होते चले जाएंगे, क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के और दिमाग में फॉर्मूले अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। ये तो रहने वाली है हमारी भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर मैथ्स। इसी स्ट्रेटेजी के साथ इसको फॉलो कीजिए गाइस, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रीजनिंग, रीजनिंग की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। आपको डेली 45 मिनट से लेकर 1 आवर अपनी रीजनिंग को देना है। यहाँ पे क्या करना है, डेली सॉल्व करने हैं 2 प्रीवियस ईयर सेट रीजनिंग के। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने पहले बता दिया 2019 और 2020 के ही सॉल्व करने हैं एसएससी के एग्जाम से, उससे पिछले के भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको 2019 और 2020 के पेपर सॉल्व करने हैं। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं जो रीजनिंग का पैटर्न है वो दिखाया गया है 2019 और 2020 के अंदर, जो टिपिकलिटी लेवल है
वो थोड़ा सा क्या किया गया है यहाँ पे, बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं कि 2018 और 2017 के आप अगर आप पेपर उठाएंगे उनकी रीजनिंग देखेंगे और 2019 और 2020 की रीजनिंग देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसीलिए कोशिश कीजिए रीजनिंग के तो पेपर्स 2019 और 2020 के ही पहले आप सारे कंप्लीट कीजिए। 30 मिनट के अंदर मैक्स टू मैक्स 30 से 40 मिनट के अंदर आप डेली 2 सेट यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे तो कुछ टॉपिक आपको पता चलेंगे कि भाई ये हमारे कमजोर हैं, तो उनको क्या करना है, उन टॉपिक्स को क्लियर करना है, उनको रिवाइज करना है। कैसे करना है वो भी प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू करना है। अब बचे हुए आपके जो 30 मिनट है 1 घंटे के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा आपको यहाँ पे 1 घंटा देना है, तो उन 30 मिनट के अंदर आप अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू करेंगे। चलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब देख लेते हैं भाई हमारी जनरल अवेयरनेस यानी जीके की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। जीके को सबसे पहले यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, पूरे तरीके से जीके होती भी 2 पार्ट में डिवाइड है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स को कैसे रिवाइज करना है, यहाँ सबसे मैंने मेन पॉइंट लिखा है स्टार्ट रिवाइजिंग करंट अफेयर्स नाउ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई हम तो लास्ट डेज पे रिवाइज कर लेंगे, 1 हफ्ते पहले रिवाइज कर लेंगे, 2 दिन पहले रिवाइज कर लेंगे सारे करंट अफेयर्स। नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होता है। वैसे तो हमें करंट अफेयर्स डेली ही पढ़ने चाहिए, बट नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज करंट अफेयर्स। बिल्कुल अभी से आपको स्टार्ट करना है अपने करंट अफेयर रिवाइज करना, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, मंथ वाइज रिवाइज कीजिए। मार्च से करंट अफेयर उठाइए, मार्च के करंट अफेयर आप लिख लीजिए एक जगह, आपने अगर पहले नोट्स बना रखे हैं वहाँ रिवाइज कीजिए, नहीं तो PDF डाउनलोड कीजिए। आप क्या कीजिए, सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं मंथ वाइज रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। डेली 2 दिन के अंदर, जैसे आपने दो दिन या तीन दिन के अंदर आपने मार्च के निपटा लिए करंट अफेयर, फिर अप्रैल के ऐसे ही आप निपटाएंगे। 6 महीने की करंट अफेयर निपटा लिए आपने 15 दिन के अंदर, फिर से उनको फिर नेक्स्ट 15 दिन के अंदर फिर से उनको रिवाइज करना है। जब आप 2 बार करंट अफेयर रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका करंट अफेयर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। फिर कोई भी आई थिंक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बट इससे क्या होगा आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा। करंट अफेयर्स अभी से स्टार्ट कीजिए रिवाइज करना। मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि स्टार्ट रिवाइजिंग करंट अफेयर्स नाउ। बिल्कुल एंड के लिए बिल्कुल मत छोड़िए करंट अफेयर्स की। 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, अच्छे से अगर 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रहे हैं तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज करिए अपने नोट्स से। आई होप सो ज्यादातर स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं अपने, तो जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उनको आप रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे ही नहीं कि बना के रख दिए रिवाइज ही नहीं किए, अब उनको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो PDFs वगैरह उन्होंने डाउनलोड की होंगी, उनसे रिवाइज करना स्टैटिक जीके को स्टार्ट करें। और कैसे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू। 2019 और 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर्स तो लगाने ही हैं। अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं SSC CHSL और CGL 2020 का, उनके पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जो भी टॉपिक आपके क्लियर नहीं है उनको क्या करना है, एक बार उनको पढ़ के अपने क्लियर कर लेना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है जनरल अवेयरनेस की। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारी भाई इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ रहेगी वॉकअप। आप कैसे करेंगे, वॉकअप करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से। पहले सबसे पहले निपटाएंगे 2019 और 2020 के। बार बार मैं इसको क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज प्रीवियस ईयर पेपर्स। बिल्कुल समझ लीजिए, एक एग्जामिनेशन की बैकबोन समझ लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर। SSC एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। नेक्स्ट ग्रामर, ग्रामर आप कैसे कर सकते हैं, ग्रामर के जितने भी आपके रूल्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है जिन रूल्स के अंदर, पहले तो सारे रूल्स रिवाइज कीजिए। जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको अच्छे से कीजिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा कंपाइलेशन आता है, पूरी बुक्स आती हैं मार्केट में, उनसे आप कीजिए और कोशिश कीजिए 2019 और 2020 की सेट्स पूरे निपटा लें पहले, उसके बाद आप उससे पहले की सेट्स कर लें। ये रहेगा आपकी जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, ये रहने वाली है आपकी। आई होप सो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ रही होगी और थोड़ी ये वीडियो आपको जरा अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा गाइज, इससे मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, डेली मॉक टेस्ट आपको देना है। डेली मॉक टेस्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। डेली मॉक टेस्ट आपको देना है और ऐसे नहीं सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया हो गया, नहीं। मॉक टेस्ट अगर आपने दिया तो आपने सिर्फ 50% काम किया है यहाँ पे, 50% अभी बच गया है। 50% है मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी, पता चलेगा कि भाई आप टाइम पे भी पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। 90 मिनट्स के अंदर आप 100 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अब आपको क्या करना है,
आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आपने 50% काम कर लिया। अब नाउ आपने 50% काम किया एनालिसिस करके, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको, और नेक्स्ट डे फिर से आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट। और यही प्रोसीजर आपको 30 डेज तक रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है गाइज, बार बार यहाँ पे आपको रिपीट करना है। जब आप 30 डेज तक 30 मॉक टेस्ट देंगे, और कभी कभी कोशिश कीजिए एक से ज्यादा मॉक टेस्ट देने की भी, अगर आप 30 भी मॉक टेस्ट दे लेते हैं इन 30 डेज के अंदर, तो मतलब आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। सच्ची बता रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत आपको फायदा रहने वाला है। ये 30 डेज आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे अगर आप इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके प्रिपरेशन करेंगे। हम मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं, आप कहाँ से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं? तो गाइज आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के साथ। गाइज अनअकैडमी प्लस बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, मैंने बताया यहाँ आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्लासेस के बाद पीडीएफ्स मिलती हैं, डाउट सेशन मिलते हैं, अगर लाइव क्लास नहीं है आप अटेंड कर पा रहे तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपको यहाँ पे मिलती हैं। आप किसी भी कैटेगरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर इस एग्जाम के साथ आप और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, आईआईटी, जेईई नीट, इवन अब आप सीबीएसई एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद गोल कैटेगरी में जाके अपना गोल सिलेक्ट करना है। गोल सिलेक्ट करने के बाद मैक्सिमम वैलिडिटी का प्लान सिलेक्ट करके रेफरल कोड में डिस्काउंट कोड लगाना है PMYT। कोड नोट कर लीजिएगा इस PMYT, क्योंकि ये कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड एक बार नोट कर लीजिए PMYT, ये कोड लगाइए और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए, अनअकैडमी प्लस बेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइस। कोड याद रखिए PMYT, ये कोड लगाने से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए स्ट्रेटेजी को, फिर और भी वीडियोस लेके आएंगे MTS के से रिलेटेड आपके लिए।